बड़ी और अहम खबर, बड़ी और अहम खबर जींद से। कांग्रेस आज करेगी जन आक्रोश रैली। जी हां, आज कांग्रेस जन आक्रोश रैली करने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे इस रैली में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे इस रैली में। तो जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस आज जन आक्रोश रैली निकालने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा शामिल रहेंगे इस रैली में और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे इस रैली में। तो जींद से इस वक्त की आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस आज करेगी जन आक्रोश रैली। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल होंगे इस रैली में। जींद से परमजीत पवार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, आज कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकालने जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो बीजेपी पार्टी है, चाहे एनएलओ की पार्टी की बात करें, सभी जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी जो है रैलियां निकालनी शुरू कर दी है। चाहे वो जन आज जो कांग्रेस पार्टी है वो जींद के सफेदों विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से जो है जन आक्रोश रैली नाम दिया गया है रैली का, और वहाँ पे ये रैली रखी गई है। लगातार जो विधायक है सुभाष गंगोली, उनका ये कहना है की देखिये जो बीजेपी लगातार जो है अनदेखी कर रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं बीजेपी के राज में, तो अब जो है इसको लेकर जो योजनाएं चलाई हुई जिन्हें लोगों में आक्रोश है, तो इस प्रकार से जो है अभी ये रैली रखी गई है जो जन आक्रोश रैली का नाम दिया गया है। तो पूरे प्रदेश भर से आज यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो इकट्ठा होंगे और ये रैली करीबन 12 बजे के आसपास जो है पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें मुख्य शिरकत करेंगे, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद हैं और उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो आएंगे। करीबन 12 बजे के आसपास ये रैली शुरू होगी और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गाँव गाँव जाके जो है न्योता दिया गया है। हालांकि जो विधायक है सुभाष गंगोली सत्यदो से, उनका ये कहना है की देखिये बीजेपी लगातार लोगों से अनदेखी कर रही है। बीजेपी ने जब तो ये यात्रा निकाली है दीक्षित भारत सेवक यात्रा, तो लगातार इस यात्रा का मोटो यही है कि जो देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो योजना चलाई है, कितना जो है धरातल पर इन योजनाओं का पर काम हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है की कोई काम इस पर नहीं हुआ, तो बीजेपी जो ये जल संकल्प रैली यात्रा निकाल रही है इसका कोई जो है मुझे ऐसा नहीं है। तो लगातार जो बीजेपी पार्टी ने भी जो है अब रैली की उच्चारण में की, तो वही जो है बीजेपी पार्टी भी लगातार रैली कर रही है। तो लगातार रैली का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि 2024 में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाएगा। बिल्कुल, और चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस अब इसको लेकर काफी ज्यादा सजग दिख रही है। और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा अब कांग्रेस की तरफ से ये उठाया जा रहा है चुनावी साल में कि बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाए, उनकी नाकामियों को किस तरीके से जनता के सामने रखा जाए। परमजीत, कांग्रेस पूरी तरीके से अब फ्रंट फुट पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, चुनावी साल के चलते भी इसे काफी अहम माना जा रहा है इस तरीके की रैलियों को। बिल्कुल, देखिए लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ले रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं बार बार कि भाई कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए 2024 में, क्योंकि लगातार अब जो राज्य 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो 3 राज्यों में जो है बीजेपी पार्टी की सरकार आई, तो लगातार कांग्रेस ने जो है मुक्की खानी पड़ी, तो उसको देखते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, लगातार रैलियां कर रही है और हाथ से हाथ जोड़ो जो इन्होंने चला था अभियान, तो उसको देखते हुए भी लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो कार्यकर्ताओं में जोश कैसे बढ़ा। हालांकि बीजेपी पार्टी भी पीछे नहीं है क्योंकि लगातार हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो लोगों के बीच जाके जो जनसंवाद कर रहे हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो लगातार बीजेपी भी जो है कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी है क्योंकि 2024 में अब ज्यादा दूर नहीं बची क्योंकि करीबन 7-8 दिन बचे हैं। 2024 का जो साल होगा वो सारा साल चुनावी होगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, ऐसा जो है तैयार लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है आज भी कांग्रेस पार्टी
जनता क्रूज रैली करने जा रही है, और जो ये रैली है जिनके सभी दो विधानसभा क्षेत्र में की है, और काफी लोग माना ये जा रहा है कि काफी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, और जो पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कुटर सिंह हुड्डा वो यहाँ से जो है कोई बड़ा आगाज कर सकते हैं, या बड़ा जो है कुछ कार्यकर्ताओं के सोच के लिए भाई मूल मंत्र दे सकते हैं, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, तो कोई बड़ा फैसला जो है ऐतिहासिक तरीके से ले सकते हैं जी। अच्छा परमजीत, क्योंकि इस ये महारैली आज कांग्रेस ये करने जा रही है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ये तो मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो बाकी बड़े चेहरे हैं हरियाणा कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, क्या ये भी मौजूद यहाँ पर रहेंगे इस रैली में? बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं इस बात आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी में फूट जरूर नजर आती है, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है उसका कार्यक्रम हो, तो जो पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पोस्टर गायब हो जाते हैं, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम हो, तो कहीं भी जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का फोटो नहीं लगा जो है कांग्रेस पक्ष पाता, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं फूट जरूर नजर आ रही है। और अभी देखिए कांग्रेस पार्टी की जो बैठक थी जो रोहतक में, तो वहां भी जो है कुर्सी को लेकर कहीं ना कहीं कहा सुनी हुई थी, तो लगातार कांग्रेस पार्टी में कहा सुनी हो रही है, और लगातार कांग्रेस पार्टी में जो आपस में इनकी खुद ही नहीं बन रही, हालांकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो खुद कह रहे हैं कि जब इनके आपस में नहीं बन रही तो ये क्या जो है इलेक्शन लड़ेंगे और क्या जीतेंगे, क्योंकि जब तक खुद पार्टी मजबूत नहीं होगी तो ऐसे में इलेक्शन जीतना बहुत बड़ी जो है मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर पार्टी इकट्ठी नहीं होगी तो कैसे इलेक्शन जीतेगी, तो ये बच चुका है, ये मनोहर लाल का बयान है, और लगातार जो उठा है कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व सीएम रहे हैं उनका ये कहना है कि देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुट है, लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई जो आज रैली होगी उसमें जो है कहीं भी जो है पोस्टर नहीं नजर आ रहे हैं, तो लगातार इसकी रैली हो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हो या फिर जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला की रैली हो, तो ये पोस्टर गायब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस फोटो के माध्यम से लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में फूट जरूर है जी। अंजलि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत पवार इस तमाम जानकारी के लिए। तो जींद में आज ये महारैली कांग्रेस की होने जा रही है, कांग्रेस आज जन आक्रोश रैली करने जा रही है, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल इस महारैली में होंगे।